ये है पालक डोसा जो मैंने घर पे आटे और पालक से बनाया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है और मैं स्वागत करती हूँ अपने पेज पे स्वादिष्ट भोजन रेसिपी में। तो आइए देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है। तो इसे बनाने के लिए आप देखिए, इतना 400 ग्राम के लगभग में आप पालक ले लीजिए। पालक की जो छोटी पत्तियाँ होती है वो ही लीजिएगा तो ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। बस लहसुन ले लीजिए, अदरक ले लीजिए और मिर्च ले लीजिए। आप यहाँ चाहो तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग को एक लेना है मिक्सी का जार, और जिसमें इसमें हमें जितने भी हमारे जो मसाले हैं, अच्छा यहाँ पे आप ना धनिया पत्ता ऐड कर सकते हो, ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए ज़्यादा चटपटा नहीं बना सकती थी, ना उन्हें तीखा लग जाता। तो बस यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेना है। पेस्ट की जो देखिए है ना, ये इतना ही पतला रहना चाहिए जिससे कि हमारे आटे में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल से लिया है आटा और इसमें जो हमारा पेस्ट था उसको इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको नमक को मिलाने से पहले आप यहाँ पे पालक और आटे को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लीजिए, अजवाइन मंगरेला मिला लीजिए, और जो पानी अगर आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसी मिक्सी को धो करके उसका पानी ऐड कर लीजिएगा। ऐसे तो ज़रूरी नहीं पड़ता है, बट अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको इस तरीके से मिला के अच्छी तरह से फेंट लीजिए। मतलब इसको एक ही डायरेक्शन में कम से कम 5 मिनट इसको फेंट लीजिएगा अच्छी तरह से। एक अच्छी तरह से फेंटने के बाद में देखिए हमारा इस तरह से हो जाएगा इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटने से। अब हमारा जो ये बैटर है, ये डोसा चीला चाहे आप जो बोल लीजिए, वो बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे एक नॉन स्टिक देखिए मैंने तवा गरम किया है और यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको डाला है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आटा है तो चिपक जाएगा। चाहे आप इसको पतला बनाओ या मोटा बनाओ, आप बहुत ही ईजी वे में बनता है और बहुत ही कम टाइम में लगता है। सबसे अच्छी बात है कि इतना हेल्दी होता है, टेस्टी तो खैर होता ही है बट ये बहुत हेल्दी होता है। बच्चे हमारे ऐसे तो साग नहीं खाएंगे, तो आप उनको इस तरह से डाल के साग खिला सकते हो जिससे कि हमारे बच्चे खाएंगे भी, उन्हें टेस्ट भी लगेगा और वो स्वस्थ भी रहेंगे। तो बस इसको पलट पलट के अच्छी तरह से चारों तरफ से सेंक लीजिए। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप यहाँ पर घी ऐड कर दीजिए, और उससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर बटर ऐड कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर बटर ऐड करोगे तो जो बटर का जो नमकीन टेस्ट होता है ना, वो इस चीला के टेस्ट को और भी अच्छा कर देगा, मतलब बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए इसको आप एक दो आप लंच बॉक्स में डाल के बच्चों को दे दीजिए, और कोई भी चटनी सॉस या किसी भी चीज़ के साथ में आप इसको सर्व कीजिए, खाइए खिलाइए, सबके फेवरेट हो जाइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ में बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, पेज को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें चखाया है और देखिए इनका रिएक्शन, देखिए ये रहा इनका रिएक्शन।